Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, बॉलीवुड से आपको रोजाना तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती रहती होगी, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे जानकर आप हैरान रहने वाले हैं। वैसे तो बॉलीवुड में कई शादियां हुई हैं जिनमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन यहां कुछ शादियां ऐसी भी थी जो करोड़ों का तो क्या अरबों का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बॉलीवुड के सितारों ने अपनी शादी में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ज्वेलरी से लेकर शादी के जोड़ा तक हर चीज महंगी होती है। आज हम आपको बॉलीवुड की उन शादियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें करोड़ों का खर्चा हुआ है। ये शादियां दुनिया की सबसे अमीर शादियों में से एक गिनी जाती है। आइए जानते हैं उन रॉयल शादियों के बारे में। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने 20 अप्रैल 2007 को शादी की थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को आज पूरे 11 साल हो गए हैं। इसके बावजूद भी इनके बीच का प्यार आज भी बरकरार है। बच्चन परिवार ने शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ऐश्वर्या की साड़ी से लेकर ज्वेलरी सबकी कीमत करोड़ों में थी। अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से धूमधाम से शादी की थी। इनकी शादी बहुत ही बड़ी और आलीशान तरीके से की गई थी। उन्होंने अपनी शादी में करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की साल 2009 में रॉयल शादी हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राज कुंद्रा एक सफल और अमीर बिजनेसमैन है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी शादी ग्रैंड हयात होटल में की थी। इस तरह इन्होंने अपनी शादी में कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो सबसे महंगी शादियों में दूसरे नंबर पर आती है। डेकोरेशन के अलावा शिल्पा की हीरे और इमरल्ड से बनी ज्वेलरी पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए थे। उस वक्त हर कोई शिल्पा की ज्वेलरी देखकर हैरान रह गया था। खबरों की माने तो शिल्पा की एंगेजमेंट रिंग 5 करोड़ की है। इनकी शादी बहुत भव्य थी, इसलिए इनकी शादी की गिनती बॉलीवुड की सबसे महंगी शादी में होती है। विवेक ओबरॉय वैसे तो बहुत कम फिल्मों में नजर आए हैं। इन्हें बॉलीवुड में कुछ खास सफलता भले ही ना मिली हो, लेकिन इनकी शादी दुनिया भर में मशहूर हो गई है। इन्होंने शादी में इतना खर्चा किया था कि पूरी दुनिया में इनकी शादी के चर्चे होने लगे थे। ये शादी दुनिया की सबसे महंगी शादियों में गिनी जाती है। इनकी शादी साल 2010 में हुई थी। विवेक ओबरॉय की शादी में 13 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख और जेनेलिया ने 2012 में महाराष्ट्रियन शैली में शादी की थी। दोनों ही अपनी इस शादी से बेहद खुश हैं। जेनेलिया एक ईसाई धर्म से है, इसलिए उन्होंने चर्च में भी शादी की थी, जिसे बड़ी धूमधाम से उन्होंने सेलिब्रेट किया था। जेनेलिया और रितेश देशमुख ने अपनी शादी में करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यह बॉलीवुड की सबसे महंगी शादी मानी जाती है। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी साल 2018 की सबसे बड़ी शादी रही। पूरा बॉलीवुड इस शादी में शामिल हुआ था। इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी में करीबन 60 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने शादी कर ली है। इन दोनों ने इटली में शादी की थी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी भी काफी चर्चा में रही थी। इनकी शादी में करीबन 50 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। विराट और अनुष्का की शादी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा महंगी शादी मानी जाती है।